हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। आपको मल्टीप्लाई करना है कुछ मैट्रिसेस को। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, आपको मल्टीप्लाई करना है ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी बी और ए। अब इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले आपको देखना होगा क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इनका ऑर्डर्स देखेंगे, 2x2 और 2x2। क्या इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल है? हाँ है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? वो आएगा ये नंबर 2x, ये लास्ट वाला नंबर 2। 2x2 की मैट्रिक्स होगी। इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? A11, A12, A21 और A22। सबसे पहले A11, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये नंबर दिखाएगा इसका रो नंबर, पहली मैट्रिक्स का रो नंबर और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर, मतलब दूसरी मैट्रिक्स में पहला कॉलम। तो इस रो के एलिमेंट्स और इस रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा। कैसे? ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए है, तो ए इंटू ए, प्लस बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी है, बी इंटू बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। A12 पहली मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू बी, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी हो जाएगा, और बी इंटू ए प्लस ए बी, ये आपका ज़ीरो आ जाएगा। A21 पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, बी इंटू माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। A22 पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो माइनस बी इंटू माइनस बी बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए इंटू ए ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका प्रोडक्ट क्या आ गया? ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ज़ीरो ज़ीरो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है 1, 2, 3 को, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 2, 3, 4 से। सबसे पहले वही चेक करेंगे ऑर्डर्स को। ये क्या आएगा? 3x1 की मैट्रिक्स है, ये 1x3 की मैट्रिक्स है। ये दोनों नंबर्स बराबर हैं, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? 3x3 का, ये मैट्रिक्स होगी 3x3 की। अब मुझे बार बार एलिमेंट्स ना लिखने पड़े, मैं डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। 3x3, ये क्या है? A11। A11 के लिए पहला रो और पहली मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ये पहला रो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और ये पहला कॉलम इसका, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 1 इंटू 2। A12 के लिए पहला रो और दूसरा कॉलम 1 इंटू 3। A13 के लिए पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 4। ऐसे ही A21 दूसरा रो पहला कॉलम 2 इंटू 2। A22 2 इंटू 3। A23 2 इंटू 4। A31 3 इंटू 2। A32 3 इंटू 3। A33 3 इंटू 4। ये मैट्रिक्स आपका आंसर आ जाएगी। इसकी वैल्यूज देखें, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 6, 9, 12, ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 2, 2, 3 और 1, 2, 3, 2, 3, 1। इनके ऑर्डर्स 2x2, 2x3, ये दोनों बराबर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ।
रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी 2x3 की, 2x3 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे 2x3 में। ये A11 है, A11 कैसे निकालेंगे, पहली रो पहला कॉलम 1 × 1 प्लस −2 × 2, 1 × 1 1 −4, ये हो जाएगा −3। A12 पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 2 प्लस −2 × 3, 2 − 6, ये हो जाएगा आपका −4। A13 पहली रो तीसरा कॉलम 1 × 3 प्लस −2 × 1, 3 − 2, ये हो गया आपका 1। A21 दूसरी रो पहला कॉलम 2 × 1 प्लस 3 × 2, 2 + 6, ये हो जाएगा आपका 8। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × 2 4 प्लस 3 × 3, 4 + 9, ये हो गया 13। इसके बाद A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 3 6 प्लस 3 × 1, 6 + 3, ये हो गया 9, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 − 3 5 0 2 4 3 0 5, 3x3 मैट्रिक्स और 3x3, ये दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और रिजल्ट आएगा 3x3 की मैट्रिक्स आएगी, एक मैट्रिक्स आएगी आपकी 3x3 की, को डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे तो A11 पहली रो पहला कॉलम 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3, A12 पहली रो दूसरा कॉलम 2 × −3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0, A13 पहली रो तीसरा कॉलम 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 × −3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, A32 4 × −3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0, A33 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 + 12 14, −6 + 6 प्लस 0 0, 10 प्लस 12 22 प्लस 20 42, 3 प्लस 0 प्लस 15 18, −9 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 0 −9 प्लस 8 −1 15 प्लस 16 31 प्लस 25 56, 4 + 0 + 18 22, −12 + 10 − 2 + 0 − 2 20 + 20 40 + 30 70।
ठीक है, फिफ्थ पार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 2 माइनस 1 1 1 0 1 माइनस 1 2 1 थ्री क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, आंसर आएगा 3 क्रॉस 3 का। तो मल्टीप्लाई करते हैं A11 में पहली रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम 0 प्लस 2 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 1 3 A21 3 माइनस 2 प्लस 1 A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 4 4 A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 प्लस 2 5 A31 ये वाली रो ये वाले कॉलम से -1 -1 -2 A32 0 प्लस 2 2 A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 प्लस 1 0। सिक्स पार्ट देखें, इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 -1 3 -1 0 2 2 -3 1 0 3 1 ऑर्डर 2 क्रॉस 3 उसका 3 क्रॉस 2 ये दोनों सेम तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 2 की 2 क्रॉस 2। A11 के लिए पहली रो पहला कॉलम 3 इंटू 2 माइनस प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 A12 पहला रो दूसरा कॉलम 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 ये क्या आ जाएगा आपका 6 -1 प्लस 9 ये आपका आ जाएगा 14। इसके बाद -9 प्लस 3 -6 -2 +6 4 3 +2 5 ये आपका आंसर आ गया।